रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आयशाज फूड रेसिपीज में एक बार फिर से वेलकम। आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मजेदार लच्छा पराठा की रेसिपी, वो भी मेरे स्टाइल में। लच्छा पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा 3 कप, गंदुम का आटा 1 कप, नीम गरम दूध 1 बड़े साइज का कप, चीनी 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो चले अब आटा गूंद लेते हैं। आटा गूंदने के लिए हम चीनी और नमक को आटे में डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और सख्त सा आटा गूंद लेंगे। आटे को हमने 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंदा है। तकरीबन 1/4 कप हमारा दूध का यूज हुआ इसमें। अब हम आटे के ऊपर ऑयल को लगाएंगे और इसको ढककर 10 मिनट का रेस्ट देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हमने आटे को रेस्ट दिया है। अब 2 मिनट के लिए हम इसे और गूंद लेंगे। अब हम आटे के पेड़े बनाएंगे। पेड़ा हम जितना रोटी के लिए बनाते हैं इतना पेड़ा बनाएंगे। इसी तरह से हम सारे पेड़े बना के तैयार कर लेते हैं और पेड़ों को भी हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे। पेड़ों को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक पेड़ा लेंगे, बाकी पेड़ों को इसी तरह ढक के रखेंगे। अब हम पेड़े को बेल लेंगे, ऑयल लगा के बेलेंगे। कोशिश करेंगे कि खुश्क मैदा कम से कम लगे। पतली सी रोटी बेलेंगे। रोटी को हमने इस तरह लंबाई में बेल लिया। अब हम इसके ऊपर ऑयल को लगाएंगे। अब इसके ऊपर मैदा टेस्ट करेंगे। मैदे को इस तरह से हम फैला लेंगे। अब हम इस तरह से इसको ऊपर नीचे रखेंगे। इस तरह से हम बल डालते हुए सारी रोटी को इस तरह से बल डालते हुए दबाते जाएंगे। अब हम एक सिरे से इस तरह से उंगली पे इसको लपेटेंगे। आखिरी सिरे को हम इसके नीचे रख देंगे और इस तरह से हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। सब पेड़े बना के हमने तैयार कर लिए हैं। अब इनको भी हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे। पेड़ों को हमने 10 मिनट का रेस्ट दिया है। तो चले अब पराठे बनाना शुरू करते हैं। एक पेड़ा लेंगे, काउंटर पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। पेड़े को इस तरह से पराठा रोटी से थोड़ा सा मोटा होता है, इसलिए हम इसे ज्यादा बेलेंगे नहीं। थोड़ा सा इस तरह से हाथों से सेट कर लेंगे। तवा हमने चूल्हे पे रखा हुआ है, तवा गर्म हो चुका है। अब हम पराठे को तवे के ऊपर डालेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम पराठे को बनाएंगे। अब हम इसे पलट लेते हैं। अब हम
ऑयल डालेंगे इसके ऊपर। इस तरह से चम्मच की मदद से दबा दबा के इसको हम रेड करेंगे। पराठा तैयार हो चुका है, अब बाकी के पराठे भी हम इसी तरह बनाएंगे और फिर इन्हें डिश आउट करते हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही जबरदस्त लच्छा पराठा बन के तैयार हो चुके हैं। आप आलुओं के साथ खाएं, एंजॉय करें। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी नई और इजी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।